bone. Right? Bone is also a connective tissue in which cells are embedded in a hard matrix. Bone को आपको पता है connective tissue में डाला था हमने, ठीक है ना? Parts of the connective tissue are there, bone and cartilage, right? Ligament and tendons, four parts were there. Yes. Now, ligaments connect, yes, dash to the bone. मैंने आपको जब मैं चैप्टर समझा रही थी बेटा, तो मैंने आपको बताया था BLB. तो ligament L हो गया, तो BLB मतलब bone to bone. ये कीवर्ड है ligament का. BLB, bone to bone ligament. ligament मिडल में दे रखा है, bone to bone कौन जोड़ता है, कौन कनेक्ट करता है, that is ligament. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बोन. ओके, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, राइट? और टेंडेंस कनेक्ट मसल्स टू बोन. MTV याद कराया था मैंने, एम से मसल्स हो गया और टी से टेंडन हो गया और बी से बोन्स हो गया. तो वी कैन राइट हियर टेंडेंस है तो यहाँ क्या आएगा, मसल्स टू बोन. ओके, वी विल राइट हियर मसल्स, MUSCLES. ओके बेटा, एंड नेक्स्ट वन, इन डैश स्पेस इज फिल्ड विद मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. यस, तो कौन सा स्पेस था, कार्टिलेज के अंदर. कार्टिलेज स्पेस फिल्ड किससे होता है, मैट्रिक्स से, और उसमें क्या होती है बेटा, प्रोटीन्स एंड शुगर. जब हमने कार्टिलेज टिश्यू पढ़ा था तब वहां हमने इन सब चीजों को क्लियर किया था. यस, ओके, नेक्स्ट वन, कॉर्क सेल्स पॉजेस. कॉर्क सेल्स के अंदर किसका डिपोजिशन होता है, ऑन देयर वॉल्स दैट मेक्स इट इम्पर्वियस गैसेस एंड वॉटर. यस, हियर विल कम सुबेरिन. सुबेरिन, SUBERIN, ठीक है, न्यू वर्ड मैंने बताया था सुबेरिन का, इसमें कॉकटेल में, और पैक्टिन का कोलेंकाइमा में, और लिग्निन का स्क्लेरेंकाइमा में. तो ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन कैसे भी तैयार हो जाता है बेटा, राइट? नेक्स्ट, हैव ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स एंड आर लिविंग इन नेचर. यस, सीव ट्यूब. ओके, सीव ट्यूब हैव ट्यूबुलर सेल्स, यू नो पार्ट्स ऑफ द फ्लोएम. यस, परफोरेटेड वॉल्स किसकी थी, पढ़ा था ना हमने, अभी नेक्स्ट था तब हम समझ सकते हैं यहाँ पर. व्हाट विल कम, सीव ट्यूब. डैश एंड डैश आर फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स तो हमने पढ़ा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से, फिलामेंट फ्लोएम. सो वी कैन राइट हियर बेटा, ये जितना भी हम जा रहे हैं मुझको सारा ऐसा लग रहा है कि हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था, मैंने आपको फ्लो चार्ट दिए थे एनिमल के भी प्लांट के भी, उसी के साथ कनेक्टेड है ना फ्लो चार्ट, और उनके अंदर जितना भी हमने पढ़ा था उसी से पूरा कनेक्ट है. यू विल गो थ्रू द नोट्स बेटा, आई हैव गिवन यू. ओके, लर्न देम, दैट टाइम यू देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद यू. ओके बेटा, नेक्स्ट, डैश हैव गार्ड सेल्स. मैंने बताया था बीन शेप्ड होती है, गार्ड सेल्स कहते हैं उन्हें. तो किन के अंदर होती है, लीव्स में, लीव्स की एपिडर्मिस में थोड़ा सा अपना चेंज कर लेती है शेप एंड साइज, तब वो क्या बन जाते हैं, स्टोमेटा, राइट? एंड देन आफ्टर गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी. यस, फ्लेक्सिबिलिटी से ही अब आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, यू नो दिस थिंग, दिस इज अ कीवर्ड फॉर द टिश्यू. जहां हमने फ्लेक्सिबिलिटी देखा है हमें कोलेनकाइमा ही लिखना है, राइट? वी विल कम टू द कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वी कैन से, और फ्लेक्सिबिलिटी, बोथ ऑफ देम. ओके, एंड द नेक्स्ट वन, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम. यस, SUEMOUS, स्क्वेमस, राइट? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स इज मेड अप ऑफ, यस, That is cuboidal. किडनी की जो ट्यूबल्स हैं, जब मैं आपको एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स,
So here is given the example, and according to this, the question is given to you. Lining of kidney, example ho gaya. Tubules is made up of, we will write here, cuboidal epithelium. Cube shaped hoti hai na, to cuboidal. Cuboidal, cuboidal. Right, beta? Next, lining of small intestine is made up of, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ये किसकी बनी है, ये भी एग्जांपल में था आपके साथ. तो दैट इज द कॉलमनर. कॉलम स्पेलिंग यू नो, सी ओ एल यू एम एन ए आर, कॉलमनर एपिथेलियम. राइट, एंड द नेक्स्ट वन, एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया आर फाउंड इन नोज वगैरह में. मैंने आपको बताया था ईयर में भी होते हैं, नोज के अंदर भी. तो एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया आर फाउंड इन द, यू कैन राइट हियर, respiratory tract, right? Respiratory spelling, you know, respiratory, respiratory tract of our body. Bones has a hard matrix composed of, bones के अंदर क्या क्या है बताया था मैंने, hard matrix में, yes, calcium and phosphorus, phosphate we can write. Calcium, C-A-L-C-I-U-M, and phosphate, P-H-O-S, P-H-A-T-E, phosphate. Students, ये जो लफ्ज हमने किए बेटा, यही नहीं है कि यही आएंगे. This is not. From anywhere you will get it. है ना, ये तो मैंने example के रूप में आपको बताए हैं कि किस तरीके से questions बन जाते हैं. अगर मैं ये करा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं है, 100% is not there, it will come. No. From anywhere, it will come. आपको meaning पता है, आपको उनके बारे में पता है, आपको खुद से put करना है fill-ups. ये जो मैंने करा दिया, आप ये मत सोच लेना कि मैम इसी में से देंगे. नहीं, 8th class तक जो हम कराते थे back questions, है ना, back exercise, वही आते थे. हाँ चिराग, last 10 minutes, ना, last 5 or 10 minutes, I will come with you. All the students are there. If they want to ask me anything, I will come with you. But now you listen me. Right, beta? Okay, Chirag, beta? Yes. After this, I have given you. You have problem, Chirag? Chirag Agarwal. Yes, beta. Yes, Chirag. Yes, beta. Yes, Chirag, what problem you have? No, so lower end now. Chirag, yes, beta, yes, beta, Chirag, lower end now then. Okay. Yes. Good. Okay, bear. At the last, we will talk. No problem, beta. I will listen you. Okay. Now come to the matching. For you, here is given adipose tissue. देखिए matching की बात तो हम बाद में करेंगे. पहले हमें उनके अगर keywords पता है ना बेटा, कि किस tissue में क्या था. तो मैचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है. यू कैन अंडरस्टैंड हियर, एडिपोज टिश्यू इज गिवन. तो एडिपोज के साथ ही हमारे माइंड में क्या आता था, कि फैट की जो लेयर है वो सबक्यूटेनियस होती है. ये मेन टॉपिक था, ये मेन कीवर्ड, ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा किसके साथ मैच करता है. यू कैन चेक हियर, यस, हियर इज गिवन सबक्यूटेनियस लेयर, वी कैन गो थ्रू इट. Right? So we can write here subcutaneous layer. ठीक है, and the next one come to it. Yes, beta. Filling of space inside the organs. Yes. Filling की जाती है organs के अंदर. तब हम क्या कह सकते हैं, आपको पता है space fill है. Space में क्या है, layer होगी. तो फिर वो कौन सा tissue हो गया, check करो, एरोलर टिश्यू. यस,
फर्स्ट वन। ओके, अब बेटा मैं आपसे क्या कह रही हूँ बार बार कि जो भी हमने टिश्यू पढ़ा उसके अंदर हमारे माइंड में कुछ तो है, और अगर वो कीवर्ड है तो हमें मैचिंग तुरंत मिल जाएगी। यस, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यू नो दिस थिंग वेरी वेल। फ्लूइड का मतलब ब्लड और लिम्फ, यही चीज हम पढ़ते हैं, अब आप चेक कर लीजिए। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड, राइट। बी, सरफेस ऑफ जॉइंट्स, मैंने बताया था जहां जॉइंट्स होते हैं वहां पर बोन्स के लास्ट में कवरिंग होती है, किसकी, यू नो कार्टिलेज होता है ना लास्ट में जॉइंट्स पर, तो चेक इट, विल गेट इट, सी दैट इज कार्टिलेज, राइट बेटा। ओके, एंड हियर यू विल कम, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी डन, सरफेस ऑफ जॉइंट्स भी कैन डन, कार्टिलेज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आप देखिए, है ना, ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज स्किन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अभी हमने जब पीछे फिलअप्स किया था तो वहां पर हमें स्क्वेमस एपिथेलियम लिखना था और स्किन दे रखा था, है ना, और यहाँ उन्होंने स्क्वेमस एपिथेलियम दे रहा, मैचिंग में दे रखा है, कोई बात नहीं। स्ट्रेटेड मसल्स, यस, स्केलेटल मसल्स के अंदर आती है स्ट्रेटेड, यस बेटा। After this एरेंकाइमा, you know very well, एरेंकाइमा में क्या एयर है, तो वो क्या शो करेंगे, वायवेंसी, है ना, तो वायवेंट, वायवेंसी, एरेंकाइमा टिश्यू शो वायवेंसी, राइट। एंड द 63 पेरेंकाइमा, यस, पेरेंकाइमा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे इजी है और सबसे मेन काम है इसका, क्या कैसी होती है, चलो ये दे रखा हूँ, थिन वॉल्ड packing cells, thin wall, right, yes, and after this sclerenchyma, yes, sclerenchyma का मतलब हमें मालूम है कैसी होंगी, permanent tissue हो गया sclerenchyma में, sclerenchyma के नीचे just जो आपको नहीं दिखाई दे रहा ना वहां देख लीजिए आप sclerenchyma, ठीक है बेटे, so we have completed this sclerenchyma, so that will come to the which one, permanent tissue, last second. Okay, yes, after that I have some MCQs for you, okay bachcha, so come with this, main aapko show kar deti hu beta, and this is the page MCQ, I feel you have interest in that, okay beta, yes, बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, चलिए। और ई पोर्टल पर आपको सब मिल जाएगा, यू कैन गेट इट फ्रॉम ई पोर्टल, ओके बच्चा, यस, थोड़े से करते हैं फिर आपकी जो क्वेरी थी वो फुलफिल करते हैं। इंक्रीज इन गर्थ, अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब बार बार वही चीज किसी भी रूप में रिपीट होती है बेटा, yes, yes, we can go through it, so that is increase in girth due to the presence of, ab aapko pata hai, parts of the meristematic tissue here is given, apical, intercalary and lateral, three of them you know, all of the above, to ho hi nahi sakta, girth ki baat hai, to kaun sa aayega, lateral, yaad aaya aapko, yes, so the answer, that is the lateral meristems, in the grasses, above, below or in the between region of the permanent tissue. मैंने आपको बताया था grass के अंदर below और in between region में जो permanent tissue है बेटा is present. So that will come, you know, intercalary. Example was there, grasses, intercalary. Yes, second one. B. Meristematic tissue consists of, अब देखो अब यहाँ आ गया, मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स हैं, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल द अबव, ठीक है, ऑल थ्री आर राइट, सो वी विल गो थ्रू द लास्ट ऑप्शन डी, ऑल द अबव, ठीक है। पोर्स आर फाउंड इन कहाँ पर हो सकते हैं, स्पेस था, है ना, दैट इज
पोस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं वेयर, देखो कॉलन काइमा में भी कंपोजिशन है, स्क्लेरल काइमा तो डेड ही होती है, उनमें भी डिकम्पोजिशन है, कंपोजिशन प्रेजेंट होता है लिग्निन का, तो बच ही गया पैरेन्काइमा, यही सिंपल और सॉफ्ट है, सो हियर पोर्स आर फॉर्म्ड, राइट, सो द आंसर इज पैरेन्काइमा, ओके बेटा. एंड द नेक्स्ट वन, द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. अब आप समझ जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट देखो, फ्लेक्सिबिलिटी देखो, तो आपको पता है द आंसर विल कम दैट इज कॉलेनकाइमा, यस बेटा, ओके. द टिश्यू दैट मेक्स प्लांट बॉडी हार्ड एंड स्टिफ, प्लांट बॉडी हार्ड और स्टिफ होती है, तो अब हमें मालूम है हार्ड कैसे हो सकती है, जब सेल्स डेड होंगी, तो मेनली व्हाट विल कम हियर, स्क्लेरेन्काइमा. जहां हमने बात की हार्ड की, तो हम समझ गए, हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाता है दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, डेड सेल्स है, हार्ड होती है, गैप नहीं है, इसलिए द टिश्यू दैट हैज डेड सेल्स, देखिए फिर से कहा उन्होंने डेड सेल है, तो हम समझ जाते हैं दैट विल कम स्क्लेरेन्काइमा, राइट, ओके, यस, कम टू दिस बेटा. क्लोरेन्काइमा इज क्लोरोफिल कंटेनिंग, यस, क्लोरोफिल कंटेनिंग, बताया था ना मैंने, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा हो नहीं सकता, क्लोरेन्काइमा है नहीं, ऑल द प्लांट टिश्यू हो नहीं सकता, तो आंसर दैट इज वी नो वेरी वेल दैट इज पैरेन्काइमा, राइट, ओके बेटा, यस. नेक्स्ट वन, हस्क ऑफ कोकोनट इज, यस, बाहर से जो हमें धागे धागे जैसे दिखाई देते हैं दैट इज हस्क, वो किसके बने हैं बेटा, यू नो हार्ड होते हैं वो, तो वो किससे बने हैं, हार्ड है, तो समझ जाइए स्क्लेरेन्काइमा इज टिश्यू, राइट बेटी, राइट बेटा, ओके बच्चे, ऑल द स्टूडेंट आई फील यू कैन अंडरस्टैंड टू मी, राइट, ओके. नेक्स्ट वन, जाइलम एंड फ्लोएम आर कंपोज्ड ऑफ, अब आपको पता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स जब हमने पढ़े थे, तो कॉम्प्लेक्स में हमने किसके साथ दिए थे, जाइलम और फ्लोएम के साथ, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विल कम इन द जाइलम एंड फ्लोएम, सो सी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नेक्स्ट वन, ट्यूबुलर एंड लिविंग सेल्स आर फाउंड इन, ठीक है, ट्यूबुलर एंड लिविंग सेल्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, ट्यूब्यूल्स हैं, लिविंग हैं, किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू एंड ऑल ऑफ द अबव, तो एक मिनट सोच सकते हैं आप, यस, लिविंग सेल्स हैं क्योंकि उसका कॉम्पेनियन सेल्स होती है, तो दैट इज द फ्लोएम, ठीक है, जाइलम के अंदर कोई कॉम्पेनियन सेल नहीं होती, केवल किसमें होती है, फ्लोएम में, तो वी कैन कम टू द फ्लोएम, और वो लिविंग होती है कॉम्पेनियन की वजह से, राइट. वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, देखो फिर से वही चीज रिपीट की उन्होंने, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स आर कंडक्टेड वायर, यस वी नो दैट इज जाइलम, ठीक है ना बेटा, यस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आई फील लाइक इट, सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स इज कैरीड बाय, लो मैंने बताया था फूड का जो सिंथेसाइज्ड फूड है वो लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो वो कौन करता है, यस वी नो फ्लोएम, डन, यस बेटा, ट्रैकीड्स एंड ट्रैकिया आर फाउंड इन, देयर इज गिवन द ऑप्शन फॉर यू, यू नो वेरी वेल दैट इज जाइलम, ये इसमें भी आया था फिलप्स में भी, तो आई फील कि अब आपको समझ आएगा बेटा कि हम किस तरीके से जब हमारे कहना चाहिए कि सेंटेंस